अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक अच्छी और सबकामेज कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है बुरी नीयत। ये कहानी दोस्तों मेरी खुद की लिखी हुई है। तीन दोस्त अजमल, फारूक और यासिर। अजमल एक पुलिस अफसर था जो नहायत ही अल्लाह वाला इंसान था। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, हर तरह के वज़ाइफ करना, दीन से टच रहना इसका रोज़ का मामूल था। फारूक और यासिर जो एक लेदर फैक्ट्री के मालिक थे, नीयत से फारूक और यासिर नहायत ही बुरे थे। लोगों को नुकसान पहुँचाना, लोगों को तंग करना, जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों का बुरा ही करते थे। एक दिन इन तीनों में पिकनिक का प्रोग्राम बना। तीनों ने सोचा कि इस दफ़ा पिकनिक के लिए किसी जंगल में जाया जाए। चुनाचा अगली सुबह सब तैयारियां हो गई और वो तीनों पिकनिक के लिए रवाना हो गए। 6 घंटे की मुसाफत के बाद तीनों शहर के बड़े जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ तीनों ने खूब मज़े किए, लेकिन इन तीनों को क्या पता था कि कहानी का असल मज़ा तो अब शुरू होगा। जंगल में एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बुरी चुड़ैल रहा करती थी। बच्चों, चुड़ैल चुड़ैल एक बदरू को कहते हैं। चुनाचा रात को जब वो चुड़ैल नमूदार हुई तो जंगल में फारूक और यासिन ने इसको देख लिया। चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में आई थी। फारूक और यासिर दोनों इसको देखकर पागल हो गए। इसके असर में आकर इसके पीछे पीछे चलने लगे। ये सारा मामला जब अजमल ने देखा, अजमल इनसे थोड़ी थोड़ी ही पीछे था, तो फिर अजमल ने भाग कर जल्दी से चुड़ैल को पकड़ लिया और कुरान पाक की आयात को पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल को धड़ाम से ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठ के तमाम आयात को अजमल ने पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो चुड़ैल जल कर ख़त्म हो गए। फारूक और यासिर दोनों इसके असर से बाहर आ गए। बच्चों, हमेशा अल्लाह पाक को याद करना बहुत ज़रूरी है और तमाम बच्चे अपनी हिफाजत के लिए कुरान पाक की मसनून दुआओं को याद करें। इसके लिए वो इसलिए कि ये हमारी ही हिफाजत में काम आती हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो अनोखी कहानियाँ 786 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।